हेलो बच्चों बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आजकल ये कोविड-19 बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। हमारे भारत में भी धीरे धीरे अपने पैर फैला रही है। तो इस समय पे एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है, आप जब घर से बाहर किसी भी ज़रूरी काम से जाएं तो अपने चेहरे पे मास्क लगा के जाएं। अब ये मास्क आजकल बाजार बंद है, आपके घर के आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जहाँ पे आपको मास्क मिल सके। तो आप घर में ही बिल्कुल आसानी से मास्क तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगी, जिससे आप सब अपने अपने घर के जो बड़े जो बाहर जाते हैं उनके लिए आप मास्क बनाएंगे और उन्हें देंगे, या जो भी कोई ज़रूरतमंद है उसको आप मास्क बना के देंगे। इस मास्क को बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। कोई भी बच्चों सूती कॉटन का कपड़ा आप लेंगे, और इस कॉटन के कपड़े को आपको कितना कपड़ा चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आपके सबके पास स्केल होगा, उस स्केल में आपको देखना है 8 इंच लंबाई का आपको कपड़ा चाहिए, और उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 6 इंच। मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये 8 इंच कपड़ा आपने लिए लंबाई में, और इसकी अब हम चौड़ाई नापते हैं, ये देखिए, ये हुआ 6 इंच, 6 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई, ये आपने कपड़ा लिया। अब इस कपड़े को आपने काट लिया, और ये कपड़ा हमें इसकी 2 लेयर चाहिए, यानी कि इतने बड़े बड़े आपने 2 बराबर के कपड़े काट लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी मशीन नहीं है तो आप हाथ का सुई धागा लेंगे, और इस सुई धागे से इस कपड़े पे 3 तरफ सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। जब आप इसकी सिलाई लगा लेंगे तो ये इस तरह का बैग जैसा बन जाएगा, राइट। अब इसको आप सीधा करेंगे, ये देखिए हम इसे सीधा कर रहे हैं, ये हमने इसे सीधा कर दिया, तो ये इस तरह का बैग बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको इस बैग को यहां से ऐसे थोड़ा थोड़ा मोड़ के यहां पे, और इस पे आपको मशीन से इस खुले हुए हिस्से को भी बंद कर देना है, राइट। जब आप इसे बंद कर देंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, एक पिलो जैसा, एक तकिए जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ से बंद है। अब इसके बाद जब ये बंद हो गया है तो आप इस कपड़े पे इस पे 3, इसमें हमें प्लेट्स डालनी है, आप 3 प्लेट्स इस पे ऐसे 1, 2 और 3 ऐसे आपने 3 प्लेट्स ली, इसको आपने टाइट करा, और यहाँ आप एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमने 3 प्लेट्स बनाई, और यहाँ भी हमने इस पे इस तरफ सिलाई लगा दी। जब हमने ये प्लेट्स पे सिलाई लगा दी तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे इसमें प्लेट्स पड़ी हुई है, ये राइट। अब ये बन गया, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए बस थोड़ी सी इलास्टिक, ये हमारे पास में पतली सी इलास्टिक है, ये इलास्टिक हमने ली है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे लगभग कितना लंबा लिया है, ये हमारी इलास्टिक है लगभग 8 इंच लंबाई की, हमने 8 इंच लंबाई की इलास्टिक 2 काटी, और इनको एक इस तरफ और इस तरफ ऐसे सिल दिया, ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी सिल दिया। अब बच्चों ये मास्क आपका रेडी है, और आपको पता है बच्चों, इस घर के बने हुए मास्क से आप 90 से लेकर 95% तक वायरस से बच सकते हैं। तो ये मास्क बाजार में जो सस्ते मास्क मिल रहे हैं उनसे भी बहुत अच्छा है, और सुरक्षा के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पहन के, ये मास्क हमारे फेस पे बिल्कुल फिट आ गया, और अब हम बोलेंगे या हमारी नाक से अब किसी भी तरह का कुछ ड्रॉपलेट्स निकलेंगे तो वो किसी तक भी नहीं पहुंचेंगे, ना ही किसी और के हमारे पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, अब बच्चों हमने जैसे ये इसी तरह के कुछ मास्क आज तैयार करे हैं, और ये मास्क बच्चों हमें ना सिर्फ अपने लिए बनाने हैं, बल्कि जो हमारे पड़ोस में हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है
हमें उनके लिए भी ये मास्क तैयार करने हैं, क्योंकि इस समय इन्हीं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप सबको मास्क बनाने आ गए होंगे। एक और बात बच्चों, अगर मान लिया आपको ये इलास्टिक नहीं मिल पाती है इस तरह की, तो आप इसकी जगह पे ऐसे ये डोरी बना करके भी लगा सकते हैं और इस डोरी को फिर पीछे बांध दिया जाएगा। तो ये है बहुत सिंपल से तरीके से जिससे आप घर पे ही अपने मास्क बना सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। खास बात ये कि आपको हर रोज इन्हें धोना है साबुन से अच्छे से और उसके बाद तब नेक्स्ट डे को यूज करना है। ओके बच्चों, बाय।